हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मन किड्स लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मानसी आ रही है, तो आज आ रही है मानसी। उसका फोन आ गया था सुबह ही सुबह, वो बैठ गई थी बस के अंदर और वो पहुंच गई है जस्ट। तो मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि कोई भी शादी वाले घर से आता है तो मिठाई जरूर लेके आता है। तो चलते हैं, मैं उठ गया, मुंह धो लिया है, मानसी को लेके आते हैं। मानसी का फोन आया था, उसने मुझसे पूछा था कि आप मुझे पिक कर लोगे, तो मैंने बोला कि मेरे पास बाइक नहीं है, आश्रय लेके गया है। मैंने झूठ बोला था इसलिए ताकि वहां पे जाके उसको सरप्राइज दे पाऊं। देखते हैं उसके रिएक्शन क्या होते हैं। क्या बोलता है, क्या बोलता है? इसको पता पड़ गया मैं लेने जा रहा हूँ मानसी को, ये रो रहा है। क्या हुआ आपको? आपको नहीं जाना कहीं पे, इधर आ जाओ, आप यहीं पे रहोगे। खड़ी है अम्मा, दिख रही होगी आप लोगों को। वो बता भी नहीं मैं आ गया हूँ। ओ भाई, पता ही नहीं पड़ता आपको है। क्या भी रो रहा था इतना, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ यहाँ पे, आपको पता ही नहीं। तो मेरे को लगा उधर चले। केविन को शांति मिल गई, अब मानसी से बात कर सकते हैं। ये पापा ने गिफ्ट किया आपको, वो है? अरे वाह, मिठाई का जिसका वेट कर रहा हूँ। मिठाई दिखाओ मुझे, मिठाई कौन कुछ ले। ओए केविन, तू दूर हो जा, तेरे लिए नहीं है। शायद शीरो से मिल के आई हूँ ना, तो इसलिए मेरे को ये बड़ा बड़ा लग रहा है। हाँ, शीरो के आगे बड़ा लगता है ना काफी। ऐसे मत करना कि जो शादी में जो मिठाइयाँ बनती है वो सारी मिठाइयाँ इकट्ठी करके जो लेके आते वही है ये पाजी की से कहते हैं, पहले तो बताओ। ये जो शादी के बाद दे, अच्छा ठीक है। हाय 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 हाय, मैं क्या, मैं तो खाते ही नहीं हूँ यार। आप इसमें से कुछ नहीं खाते? नहीं खाता यार, मोती चूर के लड्डू होते कुछ। ओह शिट, अमित सर से आपके लिए मिठाई भिजवानी थी, लेकिन हम लुधियाना के लिए निकले तो उधर से अभी जब पापा सामान छोड़ने आएंगे ना तो आपके लिए मिठाई तब आएगी। तब छोड़ो यार, अभी मैं सोच रहा था क्या क्या है ये। वैसे ये क्या है? ये शक्करपारे मीठी सेवियां है, मट्ठी है और ये गुड़ वाले वो है। अरे मिठाई आनी थी आपके लिए, अमृतसर से मम्मा पापा ने भेजनी थी। बस यही लेके आए हो? हाँ, फिर अभी मेरे पास सामान बहुत ज्यादा हो गया था, आपके सामने ही था, इसीलिए मैं अभी नहीं ला पाई। अब जब पापा छोड़ने आएंगे ना सामान और गाड़ी, तब आप आपके लिए मिठाई लाएंगे। तो चलो बढ़िया है, मानसी की मिठाइयाँ आ गई है, मानसी खुश रहेगी। वहाँ पे भी शादी में खुश थी, यहाँ पे भी खुश रहेगी। आपने जिंदगी चलती थी, चलती रहेगी। अरे आप खाओगे तो सही ना। अभी थोड़ा सा मैं खाता ही नहीं हूँ। सपना की शादी का है, मैं थोड़ा सा कुछ और टेस्ट कर लेता हूँ। आप कुछ नहीं खाते, उसको देखो। मतलब आज आते ही आप जॉब पे लग गए हैं। And now extremely excited to work with you guys and to get the opportunity to. तो वैसे अंकि ने बहुत सारी सफाई कर रखी थी फ्लैट पे, लेकिन फिर भी जो सफाई लड़कियां करती हैं वो लड़के कहाँ ही कर पाते हैं, तो इसलिए मेरे लिए फिर भी बहुत गंदगी थी। और जैसे ही मैं फ्लैट पे आती हूँ मुझे साफ सफाई करके ही रिलैक्स मिलता है, तो मैंने वो सब करा, नहाई धोई और खाना बन गया। और आते ही मैंने सोचा कि इतने दिनों तक अंकित ने बेचारे ने खुद खाना बनाया खाया, तो खुद बनाया खाएगा, खुद ही बनाना था, बाकी कौन बनाता। हाँ, तो मतलब तभी मैंने आज आपके लिए एक चीज बनाई है, आपकी फेवरेट चीज है, और मैंने राजस्थानी स्टाइल में बनाई है, वो है भरवा भिंडी। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। तो मैंने एक्चुअली में वो राजस्थानी स्टाइल में बनाई है, तो बहुत आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू गेट योर रिव्यूज ऑन द सेम। खुशबू उतनी अच्छी नहीं आ रही मां से जितनी आनी चाहिए यार। नहीं, बढ़िया बढ़िया, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था रिएक्शन देखने के लिए, अच्छा बनाया।
और इसको देखो, इसको वही पत्ते देते ही नहीं। ओ क्यों भाई, ये तेरा पूरा सोफा तेरे लिए रखा है केविन, हैं? कैसे रहे आपके 10 दिन? 10 दिन एक नंबर रहे, मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई चक्कर नहीं, बढ़िया खाया पिया, सोया, काम किया, मस्त। मतलब एक नंबर रहे, टेंशन वाली बात नहीं है तो okay. ये क्या था ये? यार देखो मैं क्या बताऊँ, खुश तो नहीं था मैं, लेकिन चलो अभी आप जो बोल रहे हो ना, आपके एक्सप्रेशन अलग चल रहे होंगे, मुझे पता है आपका। मैंने आपको देखा नहीं लेकिन मुझे पता है आपका। पता क्या, मेरे को ना पहले मम्मा बताते होते थे कि जैसे मेरी मौसी की शादी घर पे हुई थी, घर पे बारात आई थी, तो मैं बड़ी एक्साइटेड होती थी। मैंने कहा यार मतलब कितना अच्छा होता ना उस टाइम का टाइम, कि जब घर पे बारात आती थी। अब तो जैसे होटल वगैरह हो गया ये सब ठीक है, तो एक्चुअल में वो वाली फीलिंग ली है हमने कि हाँ जब घर पे बारात आती है बहुत अच्छा लगा। और यार शादी वैसे घर में ही करनी चाहिए अगर इतनी स्पेस हो आपके पास तो। इतनी स्पेस देख रहे हो ना, इतनी स्पेस कि अगर आपके पास स्पेस हो ना तो आप घर पे शादी करो। अच्छा जाने से अच्छा है। सही बात, मतलब एक अलग मजा। तो बोल रही थी कि जैसे वैसे तो पूरी शादी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन दो ऐसी चीजें हैं जो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एक तो मैंने बताई थी कि जो घर में वेडिंग हुई है, एंड सेकेंड चीज आज तक आपको मानसी एक टास्क दूं? बोलते बोलते आपको अपना हाथ यूज नहीं करने, अब बोलो शट अप, बोलो एक बार ट्राई करो ना बिना तो हाथ का यूज नहीं करना। हाँ तो अब रोटी के लिए तो गर्मी ना, तो दूसरी ये चीज थी यार मेरे को ऐसे बोलो ना, देखे बिना हाथ के देखे आप बोल पाते नहीं बोल पाते, थिएटर आर्टिस्ट हो भाई। तो दूसरी ये चीज थी कि जो गुरुद्वारे में लावाफेर हुई थी ना, वो मैंने लाइफ में पहली बार देखी है इसकी शादी में। और आपने भी वो व्लॉग में देख ही लिया होगा कि गुरुद्वारे में जो लावाफेर हुई है, तो एक्चुअल जो हिंदू तरीके से शादी होती है उसमें 7 फेरे होते हैं, लेकिन गुरुद्वारे में सिर्फ 4 ही लावा होती हैं, उनको लावा बोलते हैं। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम चलो बोलो 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 तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी गुरुद्वारे की लामा फेरे, तो वो एक अलग लेवल की फीलिंग थी। मतलब जो दीदी की शादी में मैंने पूरी फेरे देखे हैं, पूरा जिसको बोलते हैं ना शुद्ध बुद्ध से, और दिमाग वहीं पे लगा के। किससे? शुद्ध बुद्ध हिंदी है आपकी। चलो ये दो चीजें बेस्ट थी, एक तो घर की शादी और एक गुरुद्वारे की शादी है। दोनों चीजें मतलब जो मैंने कभी नहीं देखी थी वो भी मैंने देख ली, तो अभी मैं बहुत टेंशन फ्री हूँ, सुख में हूँ मैं अभी। तो अभी देखते हैं अंकी के रिएक्शंस क्या होते हैं। अकेली भिंडी खाओ ना यार, इससे क्या ही पता चलेगा आपको, पहली बाइट में तो वैसे ही नहीं पता चलता कभी भी। हाँ यार हमेशा तू ऐसे गरीबों की तरह क्यों देखता है, क्या भी बता जरा। बढ़िया बढ़िया, सच बताओ। सच में अच्छी है, बहुत बढ़िया। पिछली बार मैंने बनाई थी आपने बोला वो टेस्ट नहीं आया। हाँ, तो मतलब, अभी लेकिन वो टेस्ट तो अभी भी नहीं, लेकिन सच में क्या ये बहुत अच्छी है, ये एक नया टेस्ट है आपका। मेरा टेस्ट है अच्छा, लॉक कर दे इस टेस्ट को। चलो ठीक है, हम आपको मिलते हैं, मेरा हाथ आएगा इस व्लॉग में, आप एंड करोगे तो हम आपको। आई होप इस व्लॉग में ज्यादा कुछ था नहीं क्योंकि बहुत ही टायरिंग व्लॉग था। मैं बोलता हूँ कि मानसी थक गई थी, आते थोड़ी देर सोई भी। हाँ मैं उसका मतलब यही होता है टायरिंग व्लॉग था, लेकिन हम आपको मिलते हैं अगले अपने बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वाले व्लॉग में। टिल देन अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।